देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में ही एक रिहायशी कॉलोनी ऐसी भी है जहां आज तक लोग बिना बिजली पानी के रह रहे हैं। बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र की राजापुर कॉलोनी में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। आपको संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत और बिजली की कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज हम दिल्ली के ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां ना आज तक पानी पहुंचा और ना बिजली पहुंची। हम दिल्ली के नरेला क्षेत्र के राजापुर कला कॉलोनी में हैं, जहां पर 100 से ज्यादा मकान हैं और 700 से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इस कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। आज हम इस कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहां की हकीकत आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से यहां पर बातचीत भी करेंगे। ये पूरी तरीके से ऑथराइज्ड कॉलोनी है। अभी तक आपने तमाम ऐसी कॉलोनियां देखी जो कि अनाधिकृत थी और जिनमें पानी की किल्लत या बिजली की कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार जब सरकार ने ही कॉलोनी आवंटित की तो यहां पर मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये कॉलोनी अनऑथराइज भी है, ऐसा भी सवाल आता है। नहीं, अनऑथराइज नहीं है जी, ये सन 1976-77 की कॉलोनी है और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्लॉट दिए गए थे। अच्छा, नसबंदी के लिए, जिसने नसबंदी कराई थी उसको प्लॉट दिए गए थे ये। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना इसमें पानी है ना बिजली है ना कुछ है। इसमें लोग कितने रहते हैं? लगभग लोग इसमें 600-700 लोग रहते हैं। और वो सभी किराएदार हैं? हाँ, कुछ किराएदार जो गांव के भी रहते हैं। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, आपके रिपोर्ट देखकर विश्वास करना एक बार को मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली में कोई ऐसी भी जगह है जहां बिजली पानी नहीं पहुंची अब तक, वो भी तब जबकि सरकार का सबसे बड़ा दावा बिजली पानी को लेकर ही है। जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में ये राजापुर कॉलोनी है और यहीं पर इस वक्त मैं लाइव मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसके ठीक पीछे यहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और जिसमें कि लिखा हुआ है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आवंटित कॉलोनी है। यहां के लोकल बाशिंदे भी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करके ही बता देते हैं। लोगों को ये भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, आप लोग आ जाइए एक बार, कि आज तक एक ऐसी कॉलोनी जिसमें कि बिजली और पानी कुछ नहीं पहुंचा, ऐसा कैसे? ये देश की राजधानी दिल्ली है और क्या नाम है, बिजली पानी तो छोड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे बिना पानी बिना बिजली मूलभूत सुविधाओं के रह रहे। सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता है, आश्वासन दिए, लेकिन काम किसी नेता ने आज तक किया नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो कर पाएंगे। गर्मी में कैसे इस चिलचिलाती नरेला तो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र में से रहा है, तो क्या करें? ऐसे में लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी रहा जाता है, क्या करें? सोलर का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, विधायक आते हैं चले जाते हैं, तो क्या करें? देख सकते हैं कि हम स्थानीय लोगों से ही यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तमाम लोग और ये जो बच्चे भी यहाँ पर आपको मौजूद दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सभी उन मजदूरों के बच्चे हैं जो कि मजदूर इन कॉलोनी में, इस कॉलोनी में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर कोई सुविधा आज तक नहीं पहुंच सकी और इसी हालात में लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में उनका आसरा सिर्फ ये पेड़ की छांव है, जिन पेड़ की छांव के नीचे लोग। बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, वो भी राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। हमारे साथ सुमंत इस वक्त नई दिल्ली से जुड़े। सुमंत, नई दिल्ली में क्या हालात हैं? और नई दिल्ली तो वो इलाका है जो दिल्ली के सबसे विकसित इलाकों में से गिना जाता है, क्या यहां पर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं? क्या कहना है लोगों का? देखिए रवि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली इलाके के में भी कई कॉलोनियों से इस तरह की खबरें थी कि पानी की दिक्कत है। मंगलवार को पहली बार एनडीएमसी ने आधिकारिक तौर से इसको स्वीकार किया और कहा कि 125 एमएलडी पानी जो हर दिन जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एनडीएमसी को सप्लाई होता था उसमें घटकर 125 एमएलडी से तकरीबन 70 से 80 एमएलडी रह गया है और इस वजह से कई वीवीआईपी इलाकों में पानी की दिक्कत है। कई अस्पताल जो नई दिल्ली इलाके में है, चाहे आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो, इन कलावती अस्पताल, इन सब अस्पतालों में भी दिक्कत है। तो जो प्रभावित इलाके हैं नई दिल्ली के, उन्हीं में से एक ये मैं बंगाली मार्केट इलाके में बाबर रोड में मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ यहां के नागरिक हैं, कुछ लोग जो पानी से परेशान हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, नई दिल्ली इलाका दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका है और इस इलाके में भी कुछ दिनों से आप बता रहे थे आप लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए सर, अभी मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बाबर रोड से बोल रहा हूं, कॉलोनी में रहता हूं बाबर रोड में, और आज 5 दिन से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और 5 दिन से हम लोगों को जो टोटल जो पानी मिला है वो 3 घंटे मिला होगा 5 दिन के अंदर। एक दिन 1 घंटा, फिर 1 दिन 1 घंटा,
तो मेरे सबसे बड़ी इतनी ज्यादा किल्लत होने की वजह से आप देखिए स्क्रॉचिंग हीट है, इतनी गर्मी है, और NDMC की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, द वे ऑफ वर्किंग क्या है कि हमारे 3 रिजर्वायर जो हैं जहाँ से पानी का फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट है, सोनिया विहार है, वजीराबाद है या चंद्रवेल है, बात करूँ परेशानियों के अंदर है कि यहाँ टैंकर से सप्लाई कैसे हो? ठीक है, टैंकर तो मिले, साफ पता चल रहा है कि दिल्ली के इस इलाके में, सबसे विकसित इलाके में भी लोगों के सामने ये समस्या है। हम लौटेंगे आपके पास, और देखिए अब बात करते हैं शिमला में जल संकट की, यानी पहाड़ी इलाकों में भी जल संकट की स्थिति है। दिल्ली के बाद शिमला में भी जल संकट गहराता नजर आ रहा है। शहर में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है, पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। चौथे दिन आ रही है पानी की सप्लाई, पानी की किल्लत से पर्यटक भी परेशान हैं।